गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग नीट 2019 के फिजिक्स का जो पेपर था उसको हम लोग सोल्व करेंगे और आज से आगे कई सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे हम लोग. नीट का जो क्वेश्चन है उसको इस पर यूट्यूब पे हम लोग डालते रहेंगे. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो आईआईटी मेंस का जो लेवल है उससे थोड़ा सा कम होता है ना. तो अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा है ना, या हो सकता है आप फ्यूचर में देखें, कुछ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उसको भी आप देख सकते हैं. तो अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उससे ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. मतलब केवल थ्योरी जो वीडियो लेक्चर है उतना देखने से आपको अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. केवल वीडियो लेक्चर देखेंगे, जो लेक्चर मैंने क्लास में जो पढ़ाया हुआ है अगर वो देखेंगे, उसके क्वेश्चन को बढ़िया से समझ करके कि किस तरह से हमने सोल्व करा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया है, क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो टेक्निक बताया है, अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो ये पेपर जो है बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, है ना. तो हम लोग क्वेश्चन जो है पहला वाला देखेंगे. यहाँ पर पहला क्वेश्चन बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन है और एक तरह से कहें कि ये मतलब अगर आपको थियोरिटिकल याद होगा, एनसीईआरटी ने पढ़ा होगा तो उससे आप बता सकते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो पी टाइप का पहला मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, चार्ज कैरियर पॉजिटिव होगा. तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक तो होल होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिव चार्ज कैरियर है. तो पहला चीज तो ये डिसाइड हो गया कि पी टाइप है तो होल से ही चार्ज कैरियर होंगे. ठीक, दूसरा चीज क्या डिसाइड हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है एक्चुअली में ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है. इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज करिए निगेटिव चार्ज मतलब दोनों चार्ज बराबर होते हैं. लेकिन एक्सट्रिंसिक जो है जैसे कि पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं. ठीक, तो पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है ना, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है. तो उसमें से जो है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जो है वो एक्चुअली में जो सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें जाकर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करते हैं. ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इम्प्यूरिटी में से जब निकलते हैं, ठीक है, इम्प्यूरिटी में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं, है ना. तो इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड किया जाता है. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं. मिलाने का जो प्रोसेस है उसको डोपिंग कहा जाता है और जो इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है उसको हम लोग डोपेंट कहते हैं एक तरह से, है ना. तो इसी से रिलेटेड ये सवाल है. अब ऑप्शंस चेक करते हैं. जैसे कि पहला ऑप्शन है, इसमें कहा गया होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स. तो ये पहला जो स्टेटमेंट है तो सही है, क्योंकि पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर होना चाहिए और होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं. ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, मैंने अभी बताया कि कोई इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें चले जाते हैं, वहां कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन इधर होल क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है तो वो चार्ज कैरियर बन जाते हैं. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है. मिलाने का जो प्रोसेस है उसको डोपिंग कहते हैं और जिस इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है उसको डोपेंट कहा जाता है. तो यहां पर आगे बताया गया है, एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स. मतलब ट्राइवैलेंट जो है इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है डोपिंग करने के लिए. ठीक, तो ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही लग रहा है ना. पॉजिटिव चार्ज कैरियर होना चाहिए तो होल्स बताया, ये भी सही है. ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी की बात करते, ये भी सही है. तो इसके आगे जो होंगे कुछ ना कुछ गलत होगा. जैसे कि ये यहां बताया बी ऑप्शन में होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर, ये तो सही है. लेकिन यहां बताया कि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला जाती है, तो ये गलत हो गया. सी और डी में इलेक्ट्रॉन्स को मेजोरिटी चार्ज कैरियर बताया गया है, जो कि निगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो वो एन टाइप में होते हैं, पी टाइप में नहीं होता, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया, है ना. इसके बाद अगला सवाल है वो न्यूमेरिकल है ना, लेकिन बहुत ही सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो है ना. कहा गया द बॉडी वेज
200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ. जैसे सपोज ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ के केस में हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दोनों सेम चीज होता है, मतलब दोनों इक्वल आता है बाय मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना. जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देने से ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, ठीक. उसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जी है तो उसमें भी मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट बताता है. वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है ना. तो ये दोनों जो है, अगर दोनों में मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वेट के इक्वल होता है, उसको हम लोग वेट भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को. तो पहला चीज तो ये है कि अर्थ का रेडियस अगर आर है तो इसके सरफेस पर जी कह लें या ग्रेविटेशनल फील्ड कह लें, वो कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, अंदर की तरफ होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक. और अर्थ के अंदर किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पर, अगर यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं जी एम आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना. तो यहां पर अगर सरफेस पर वेट निकालना, वेट ऑन सरफेस, तो हो जाएगा एम इंटू जी, तो एम इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर. इसका वैल्यू क्वेश्चन में 200 न्यूटन दिया गया है ना, ये सरफेस पर 200 न्यूटन बताया गया. अगर अंदर की बात करें, वेट इनसाइड अर्थ, वो भी लिखेंगे एम इंटू जी डैश. जिस पार्टिकल का, जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग वेट पता कर रहे हैं, उसका मास हमने स्मॉल एम ले रखा है, यहां भी चाहे यहां भी मास तो नहीं रहेगा, जी बदल रहा है, तो एम जी डैश, एम जी डैश यहां पर रखेंगे जी एम. और खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में कहा गया हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ. हाफ डाउन मतलब कि यहां से सरफेस से आर बाई टू अंदर नीचे, तो सेंटर से भी आर बाई टू इधर होगा, है ना. तो ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू मैं यहां पर आर बाई टू रखूंगा और ये हो जाएगा आर क्यूब. तो ये देखेंगे आ गया एम जी एम बाई टू आर स्क्वायर. ये जो ऊपर वाला वैल्यू है उसका जस्ट आधा आया, तो ऊपर वाले का वैल्यू तो 200 न्यूटन था, तो इसका वैल्यू 100 न्यूटन होना चाहिए, है ना. तो इस तरह से कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर बिल्कुल बीच में, मतलब सेंटर और सरफेस के बीच में, अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट पता करेंगे तो 100 न्यूटन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपको याद होगा और डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं. इसमें पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम. हमें पता है कि एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें हीट कंटेंट कांस्टेंट रहता है ना. इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सिस्टम से हीट बाहर नहीं जाता और बाहर से सिस्टम में हीट आता नहीं है, है ना. तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में ऐसा होता है, बाकी सब में जो है वो हीट जो है आ सकता है, जा सकता है. अगला सवाल जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. इसमें देखेंगे एक सर्किट दिखाया गया है, 6 रेजिस्टेंस दिखाएंगे, क्योंकि मेरे 6 रेजिस्टेंस क्या है, 6 बल्ब्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं. कहा गया 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ये फिगर है, विथ अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, है ना, ये बैटरी है, सोर्स है जिसका ईएमएफ ई है, एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस. इस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है.
द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन व्हेन दो केसेस बताया गया, ऑल आर ग्लोइंग, सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, सारे बल्ब जल रहे हैं, और दूसरा केस टू फ्रॉम सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है, इसमें से दो बल्ब जल रहे हैं, एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग, है ना, मतलब इसमें से कह सकते हैं, मान लेते हैं रेजिस्टेंस सबका आर है ना। तो दूसरा केस है जिसमें ए सेक्शन में से दो बल्ब और बी सेक्शन में से एक बल्ब जल रहा है। तो पावर कंजम्पशन का रेशियो बताना है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला केस देखते हैं। पहले वाले केस में सारे बल्ब जल रहे हैं, सारे बल्ब जलेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे इनका, यह आएगा आर बाई थ्री, तीनों आइडेंटिकल है तो आर बाई थ्री, और इन तीनों का भी आर बाई थ्री, इस तरह से ये आर बाई थ्री हो गया, ये बैटरी है ना। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों सीरीज में हो गए तो ये आ गया 2R बाई थ्री। तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर कंजम्पशन होगा E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, है ना, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां से रखेंगे तो आएगा 3 E स्क्वायर बाई 2R। ये पहले वाले केस में पावर कंजम्पशन होगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में जो सेक्शन ए है इसमें से दो बल्ब जल रहे हैं और सेक्शन बी में केवल एक बल्ब जल रहा है, ये अपना सिस्टम हो गया, है ना। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ऐसा मान सकते हैं कि बाकी जो बल्ब हैं वो फ्यूज हो गए, इसमें से एक फ्यूज हो गया, इसमें से दो फ्यूज हो गया, तो ऐसे रहेगा सिस्टम में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा आर बाई टू, है ना, आर बाई टू, और ये आर सीरीज में है तो इस बार जो आर इक्विवेलेंट आएगा आर बाई टू प्लस आर, यानी कि 3R बाई टू। तो ये R इक्विवेलेंट आया, तो इस बार ये दूसरा केस है, है ना। तो दूसरे केस में जो पावर कंजम्पशन होगा वो होना चाहिए E स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, E स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट का वैल्यू है 3R बाई टू, यानी 2 E स्क्वायर बाई 3R, ठीक है, ये हो गया। तो हमें रेशियो बताना है P1 बाई P2, तो P1 बाई P2 जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 E स्क्वायर बाई 2R डिवाइडेड बाई 2E स्क्वायर बाई 3R, तो ये देखेंगे आएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। तो पावर का जो रेशियो है वो आया 9:4, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आप देखेंगे कि नीट 2019 में जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। ये क्वेश्चन में कहा गया है द स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 m। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, सपोज ये टैंक है ना, और यहां पर नीचे एक होल है, इस होल का जो एरिया है वो है 2 mm², इसमें कहा गया है कि जो वाटर है वो 2 m हाइट तक भरा गया है, है ना, 2 m हाइट तक भरा हुआ है, ठीक। टेकिंग g इज इक्वल टू 10 m/s² द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो वाटर का हाइट है वो है 2 m, नीचे यहां पर एक होल है, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जानते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है अंडर रूट 2gh। अगर ये हाइट h हो तो यहां से जो लिक्विड बाहर आता है छोटे वाले होल से उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh, है ना। तो जो फ्लोरेट होता है, फ्लोरेट का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फ्लोरेट बता देता है, एरिया में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने से ये बताता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। जैसा कि आप जानते होंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन में यही फ्लोरेट जो है वो हमेशा इक्वल होता है, A1 × V1 = A2 × V2 हम लोग यूज करते हैं ना। तो यहां पर जो एरिया है इस ऑरिफिस का वो है 2 mm², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ×
10 टू द पावर माइनस 6 ये हो जाएगा एरिया का वैल्यू। ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2, जी का वैल्यू 10 इसमें दिया गया है यहां पर 10, और एच जो हाइट है वो 2 मीटर दिया गया है। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे है ना, तो ये आएगा करीब 12.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में इसके आसपास ये दिख रहा है 12.6 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 12.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आ जाएगा है ना। और यहां पर क्वेश्चन बताया भी गया है, नियरली बताना है, अप्रोक्सीमेटली बताना है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल भी सिंपल सा है, इसमें किसी वेरिएबल फोर्स के कारण से वर्क डन फाइंड करना है। कहा गया फोर्स एफ इज इक्वल टू 20+10y एक्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इन मीटर। ये इसका यूनिट दिया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन में दिया है और वाई जो है उसका मीटर में लेंथ है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू 1 है ना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग एफ एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से एफ वाई डी वाई वाई वन टू वाई टू है ना। तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ये है 20+10y इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन करना है वाई वन से वाई टू। वाई वन क्या है 0 है और वाई टू क्या है 1 है, ये 0 से 1 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इस तरह से 20 × dy + 10 × y dy 0 to 1 और 0 to 1 है ना। तो ये होगा 20 dy का इंटीग्रेशन आएगा y, लिमिट रखेंगे 0 से 1, 10 इंटू ये y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे 0 से 1 है ना। तो ये जो है 20 × 1 − 0 यानी कि 20+ ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 5 और ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर का वैल्यू पहले 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली ये आ गया 25 जूल है ना। तो देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है 25 जूल दिया है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है 2 point charges ए एंड बी हैविंग चार्जेज +Q एंड −Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन देम द चार्जेज बिकम्स। कहने का मतलब यह है कि एक चार्ज है +Q, दूसरा चार्ज है −Q, ठीक है। तो अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है एफ, ये कितना आएगा K Q1 × Q2 / r² मतलब K Q² / r² ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक। अब कहा गया कि इसका 25% चार्ज बी में चला गया, तो इसका 25% का मतलब हुआ इसका 1/4 है ना। तो अगर इसमें से 1/4 चला जाएगा तो यहां पर चार्ज कितना रह जाएगा 3/4 रह जाएगा, 3/4 Q, ठीक है। अच्छा यहां पर −Q है, इसका −Q में अगर आप 1/4 जोड़ देंगे, इसका 1/4 ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव का 1/4 का मतलब +Q/4, ये −Q था, ये ऐड करेंगे तो आएगा −3Q/4 है ना। तो बी के पास अब चार्ज रह जाएगा −3/4 Q है ना,
बी पर अब इतना हो जाएगा, ए पर इतना रह जाएगा। तो अब इनके बीच में फोर्स निकालेंगे हम लोग, तो आएगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। मैं चार्जेज का केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यहां भी मैंने साइन नहीं लिखा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यहां भी साइन नहीं लिखा, केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस अभी भी वही है, केवल चार्ज का वैल्यू चेंज हो गया है। तो ये देखेंगे आएगा 9/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखेंगे ये के क्यू बाई आर स्क्वायर जो था ये पहले एफ था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9/16 इंटू एफ। तो अब नया जो फोर्स है वो हो जाएगा 9/16 एफ। तो देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो एग्जैक्टली 9/16 दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल जो है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। है ना, कहने का मतलब यह है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। है ना, तो यहां से किसी पार्टिकल को किसी सपोज वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक, अब आगे कहा गया बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विथ सेम वेलोसिटी इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस। अगली बार क्या किया गया कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था इसको 30 डिग्री कर दिया गया, उस पार्टिकल को उतनी ही वेलोसिटी से, यहां u से प्रोजेक्ट किया गया था, यहां भी u से प्रोजेक्ट किया गया, तो इस बार जो है ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। तो हमें बताना है कि देन रेशियो x1:x2 विल बी, ये रेशियो बताना है x1 और x2 का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, इस पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका गया यहां से, है ना, तो होगा क्या देखेंगे, इस पर फोर्स लगता है एमजी नीचे की तरफ, है ना। तो एमजी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और इधर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एंगल जो है वो थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच का एंगल इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है ना। तो ये जो एमजी है इसका इधर कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एमजी कॉस थीटा, और इधर आएगा एमजी साइन थीटा। तो चूंकि फोर्स इधर एमजी साइन थीटा है नीचे की तरफ, तो इधर एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास, यानी कि जी साइन थीटा। तो एक्चुअली मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए ये डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक, तो सपोज ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर रुक जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, है ना। तो काइनेमेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है v² = u² + 2s, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है u² + 2, एक्सेलरेशन जो है अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, इधर मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन है -g sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो है इधर x है ना। तो x का जो वैल्यू यहां से आएगा वो आएगा u² / 2g sin थीटा, ये आ गया, है ना। अब पहले वाले केस में x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू निकाल करके, वो आएगा u² / 2g sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो u² / 2g (√3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये हो गया u² / √3g। उसी तरह से इस केस में अगर हमें x2 का वैल्यू निकालना, तो ये आएगा u² / 2g sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, u² / 2g (1/2), तो x2 जो है ये हो गया u² / g। यहां पर रेशियो पूछा गया है x1 और x2 का, x1/x2, है ना। तो इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे,
इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 1/√3, है ना। तो रेशियो जो है x1:x2 वो आएगा 1:√3, x1:x2 = 1:√3, ठीक है, ये रेशियो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विथ रेनबो। तो रेनबो के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें सिलेक्ट करना है, बाकी जो होंगे वो सही ऑप्शन होंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है, कहा गया द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो। सही है, दो तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाले में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और सेकेंडरी वाले में दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना बादल में, जो क्लाउड होता है उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जैसे सन पीछे हो है ना और सामने इधर बारिश हो रहा हो कहीं पर, यहां पर ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स होंगे, तो लाइट जा करके एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो करके अगर ड्रॉप से बाहर आता है तो प्राइमरी रेनबो बनता है, और दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के जब बाहर आता है लाइट तो उसमें जो है सेकेंडरी रेनबो दिखता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो कलर्स का जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाता है ना, तो ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में क्या है, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। गलत इसलिए क्योंकि सन जो है हमारे पीछे होना चाहिए और उसके दूसरे साइड में जो है वो क्लाउड होना चाहिए, रेन ड्रॉप्स होना चाहिए, तो वहां से लाइट जाता है और वहां से जो आगे ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं दूसरे साइड में, वहां से जो लाइट है ड्रॉप में इंटर करता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर वापस जब आता है तब हमें वो रेनबो दिखता है। तो रेन ड्रॉप जो है दूसरे साइड में होना चाहिए, तो हमारा जो फेस होगा, जो फ्रंट साइड होगा वो उस साइड में होना चाहिए इधर ड्रॉप्स हैं, तभी हमें रेनबो दिखेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा फेस है वो सन की तरफ होना चाहिए, जो कि गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, कहा गया रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ये भी सही है ना, इसमें क्या होता है कि लाइट रे जब इसके अंदर इंटर करता है, सन से लाइट रे आ रहा है ड्रॉप के अंदर इंटर करता है, तो इसका डिस्पर्सन हो जाता है ना, अलग अलग कलर में निकल जाता है, फिर यहां से TIR होता है इसका, TIR होना मतलब कि रिफ्लेक्शन होता है यहां से। अच्छा, ये भी देख सकते हैं चूंकि यहां पर क्रॉस कर रहा है तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है क्योंकि लाइट इंटर कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चूंकि ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जा रहा है तो डिस्पर्सन भी हो रहा है, यहां से TIR भी हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और सब, फिर ये लाइट बाहर आता है तो हमें जो है वो रेनबो दिखता है, ये जो है ऑब्जर्वर हो गया यहां पर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ऑप्शन डी देखते हैं, When the light rays undergo two internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed. है ना? जैसे इसमें तो हमने दिखाया एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है ना, ऐसा भी होता है कि दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, जैसे यहां से लाइट इंटर करा है ना ऐसे, तो यहां से डिस्पर्सन हो गया, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहां से, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होकर के दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के यहां पर आएगा, तो इस तरह से सेकेंडरी रेनबो बनता है ना। सेकेंडरी रेनबो में दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, प्राइमरी में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। ठीक, इसके बाद अगला एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। कहा गया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सक्लूडिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। SHM की बात करें तो एक टाइम पीरियड में अगर पार्टिकल का मीन पोजिशन सपोज यहां पर है, ये निगेटिव एक्सट्रीम और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक कंप्लीट ओसिलेशन में क्या होगा, पार्टिकल जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, है ना। जैसे सपोज यहां से चला तो ये जाएगा इधर, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस यहां पर आ गया, तब कहेंगे एक टाइम पीरियड हुआ। अगर यहां से चला था तो यहां से जाकर के वापस यहां पहुंचेगा, तब एक टाइम पीरियड हुआ। तो एक टाइम पीरियड बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, है ना।
तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें हो गया है जीरो, टाइम इंटरवल जो है एक टाइम पीरियड के बराबर दिया गया है, तो एवरेज वेलोसिटी आएगा जीरो, और इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पूछा गया है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, ये ऑप्शंस दिए गए, है ना। तो हमें पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं kZe² / 2R, पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आता है kZe² / R- में, है ना, क्योंकि ZE ये प्रोटॉन का चार्ज है और माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव में आता है पोटेंशियल एनर्जी kQ1Q2R वाला फॉर्मूला से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतना आता है, और टोटल एनर्जी जब निकालते हैं दोनों को ऐड करके K+U, तो ये आता है -kZe² / 2R। तो इसमें जो है इसमें टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी का मतलब हुआ ये वाली जो वैल्यू है ये हमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया, ठीक। तो देखेंगे अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यही वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि पॉजिटिव होता है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ये kZe² / 2R है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है kZe² / R, इसका जस्ट डबल है निगेटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस लगाऊंगा इसका डबल कर दूंगा तो यह हो जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में इतना और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में इतना, है ना। तो ऑप्शन बी देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में और पोटेंशियल एनर्जी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसके बाद अगला सवाल है, है ना, ये जो क्वेश्चन है वो अर्थ जो है उसको एक मैग्नेट जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं उसी से रिलेटेड है, जो एंगल ऑफ डीप हम लोग जानते हैं, है ना। कहा गया है एट ए पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डीप इज +25 degrees, एट ए पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डीप डेल्टा इज -25 degrees, है ना। दो पॉइंट है, दोनों अर्थ के सरफेस पर है, एक जगह एंगल ऑफ डीप प्लस में है 25 degrees और दूसरी जगह माइनस में है 25 degrees, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डीप क्या होता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये वर्टिकल है। तो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है तो हम लोग ये डेल्टा लेते हैं और ये डेल्टा पॉजिटिव माना जाता है, ठीक। वही अगर ऐसा हो जाए, जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगा तो ये जो डेल्टा आएगा ये निगेटिव में माना जाएगा, ठीक। तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा देखेंगे, ये मैंने अर्थ बनाया है स्फीयर जैसा, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफिकल का, है ना। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है, यहां से एक एक्सिस पास करता है, इसके अबाउट अर्थ जो है वो रोटेट करता है, ठीक। जबकि मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है थोड़ा सा इंक्लाइन होता है ना, ऐसे कहें ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, तो ऐसे मैग्नेट मान सकते हैं। हमें पता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है ना, ये हो गया मैग्नेटिक लाइन और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इधर मैग्नेटिक साउथ होता है, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेज
नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर के इंटर करती हैं, है ना, ऐसे। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। अगर इसको एक मैग्नेट मानते हैं अर्थ को, तो उसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, इस तरह से, है ना, ऐसे। इधर से भी घूम करके ऐसे जा सकते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे ये जो है ये अपना ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ऐसे लाइन डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला जो स्फेयर है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर। तो हमें बताना है कि जो दो पॉइंट ए और बी वो किधर पड़ेंगे, ऊपर या नीचे। तो देखेंगे अगर यहां से ऊपर की बात करें, जिसको हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, इसमें ऊपर की तरफ, ऊपर कहीं भी देखेंगे, ये सपोज है ना, ये अर्थ का सरफेस है, तो ये वर्टिकल कहलाएगा। इस पॉइंट पर वर्टिकल कौन सा लाइन कहलाएगा, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये अर्थ सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर ये वर्टिकल होता है। कहीं भी यहां पर जाएंगे तो ये अर्थ सरफेस है तो ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया अर्थ के सरफेस के पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो चूंकि यहां पर लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही है, है ना, यहां पर, तो देखेंगे हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यहां पर जो एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे यहां बताया ना मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो यहां पर जो डेल्टा आएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से नीचे आ रहा है ना। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो एंगल ऑफ डीप होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में यहां पर लाइन सपोज ऐसे निकल रही है ना। तो यहां पर जैसे ऐसे निकल रहा है तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे ऐसे, और सरफेस के पैरेलल, है ना, ये वर्टिकल हो गया और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसमें डेल्टा जो है हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल यहां पर इधर है नीचे, ये वर्टिकली अपवर्ड कहलाएगा। यहां पर आदमी खड़ा होगा तो उसके वर्टिकली अपवर्ड किधर होगा, इधर, है ना। तो उसके लिए वर्टिकली अपवर्ड इधर है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकली अपवर्ड हॉरिजॉन्टल के बीच में ऐसे, ये डेल्टा इस बार जो है ये निगेटिव में कहलाएगा। तो साउथर्न हेमिस्फेयर में जो एंगल ऑफ डीप है वो निगेटिव होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में एंगल ऑफ डीप जो है वो पॉजिटिव होता है। जबकि इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर पर देखेंगे तो बिल्कुल जीरो होता है एंगल ऑफ डीप। यहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है अर्थ के सरफेस के पैरेलल, तो वहां पर ये बी जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा जीरो, है ना। तो ये कहा जा सकता है चूंकि पॉइंट ए के पास एंगल ऑफ डीप पॉजिटिव दिया गया है, तो ए जो होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा और बी जो है वहां पर एंगल ऑफ डीप निगेटिव में है तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये सही लग रहा है। क्या बताया इसमें, ए इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्योंकि एंगल ऑफ डीप पॉजिटिव है एंड बी इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगले दो सवाल करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। जैसे कि देखेंगे ये तीन जो है, जैसे ए हो गया, इसमें कहा गया मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, है ना, जो जो फास्ट ट्रेन्स होती है ना उनको जो है स्टॉप करने के लिए ये वाला ब्रेक यूज किया जाता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो इसमें क्या है, एडी करंट का इफेक्ट आता है ना। और उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज होता है एडी करंट, इंडक्शन फर्नेस में भी यूज होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसमें यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, इसमें जूल हीटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी। ये जूल हीटिंग का कॉन्सेप्ट है, करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, है ना, ये तीनों जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें पूछा गया कि किसमें यूज नहीं होता एडी करंट इफेक्ट, तो सी वाला है जिसमें कि एडी करंट इफेक्ट जो है वो यूज नहीं होता। अगले सवाल पर आते हैं, इसमें कहा गया टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी विथ स्पीड्स वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली।
their time period of rotation is same. The ratio of angular speeds of A to that of B will be. अब यहां पर हमें क्या पता करना है, रेशियो पता करना है ना. तो रेशियो पता करना है ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा बी. तो दो तरीके हैं, एक तो हमें पता है कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा का वैल्यू जो है वो वी बाई आर करके सी निकाल सकते हैं. लेकिन वी और आर का वैल्यू यहां पर जो है वो दिया नहीं गया है, जस्ट ऐसे ही अननोन फॉर्म में लिख दिया गया है. लेकिन हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि ओमेगा ए है. दूसरा तरीका बता रहा हूं, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड. तो 2 पाई बाई टी ए डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई टी बी, तो ये हो जाएगा टी बी डिवाइडेड बाई टी ए. और क्वेश्चन में क्या कहा गया, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, मतलब टी बी और टी ए इक्वल है, ये जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा, है ना. तो क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर लिखा नहीं है, तो जो रेशियो है वो आएगा 1:1. ठीक, अगले सवाल देखते हैं. ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है. पूछा गया है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर सच दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज F1. When the space between the two lenses is filled with glycerin, which has the same refractive index as glass, यानी mu जो है वो 1.5 दिया हुआ है, then equivalent focal length is F2. We have to find the ratio F1 by F2. है ना. तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं कि पता करते हैं कि जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है और इक्वी कॉन्केव लेंस होता है, उनका फोकल लेंथ कैसे पता करते हैं. जैसे इक्वी का मतलब हुआ कि दोनों तरफ जो रेडियस है वो इक्वल है, आर है. तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आएगा 1 by f μ - 1 1 by. जैसे अगर मैं ये मान लेता हूं कि लाइट इधर से आ रहा है, तो ये वाला रेडियस का कर्वेचर पॉजिटिव माना जाएगा, है ना, क्योंकि इसका सेंटर इधर आएगा. और ये वाला सरफेस का रेडियस कर्वेचर निगेटिव माना जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर आएगा इधर, यहां से लेफ्ट में. तो इसको निगेटिव मिलेंगे, -1 by -r, है ना, 1 by r1 - 1 by r2. r2 जो है माइनस आर है. तो ये आ जाएगा 2 into μ - 1 / r. ठीक, ये हो गया. अच्छा, उसी तरह से अगर इक्वी कॉन्केव लेंस हो, है ना, तो इक्वी कॉन्केव लेंस का मतलब हुआ दोनों साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है. इसका फोकल लेंथ निकालेंगे μ - 1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव में आएगा और इसका पॉजिटिव में आएगा, तो ये आएगा 1 by -r और ये आएगा +r, है ना. तो ये हो जाएगा -2 into μ - 1 by r. तो फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है यहां पर, यहां पर सेम है, बस साइन जो है डिफरेंट है, यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, ये फर्क है. ठीक, तो ऐसे जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे दो लेंसेज को जब कॉन्टेक्ट में रखेंगे ना इस तरह से, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये बताया गया है F1. ये आएगा 1 by f + 1 by f, यानी कि 2 by f. तो F1 जो है ये हो जाएगा f/2. अब अगली बार क्या कहा गया कि इसमें जो बीच में जो गैप था उसको हमने ग्लिसरीन से फिलअप कर दिया, तो ये जो फिलिंग पार्ट है ये भी एक कॉन्केव लेंस जैसा बिहेव करेगा. तो अब ऐसा कर सकते हैं कि तीन लेंस कॉन्टेक्ट में आ गए, तो इनका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 by f2 1 by f. इसका फोकल लेंथ जो है वो आएगा निगेटिव में, -f लिखा मैंने, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है लेंथ का बराबर है. इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का कॉन्केव का मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ साइन जो है अपोजिट है. तो ये कॉन्केव लेंस है इसलिए माइनस लगाया, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों का एफ लिखा है, क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, है ना. तो ये तो हो गया दूसरे का. फिर तीसरा है 1 by f. इसमें देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 by f, यानी जो F2 है ये आ गया F के इक्वल. तो हमें यहां पर रेशियो पता करना है F1 by F2, है ना. तो F1 / F2, F1 आया है F/2
और F2 आया है F, तो ये आ गया 1/2। तो इसका जो रेशियो है देखेंगे, यहां पर जो पहला ऑप्शन दिया गया 1:2, तो ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, बाकी जो है वो गलत है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल में कहा गया एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है हम लोग कैसे पता करते हैं, H/P, है ना। पी कैसे निकालते हैं, पी जो होता है या P²/2m, ये होता है एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज है E और इतना पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, तो वर्क कितना हुआ, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क होता है और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो E इंटू ये जो है 10,000, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब यहां से P का वैल्यू निकालेंगे, पहले मैं फॉर्मूला रख देता हूं 2mK यहां पर रखेंगे, तो H/√2mK ये आएगा। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एच का वैल्यू रखेंगे √2, मास भी देखेंगे यहां दिया गया है 9×10⁻³⁻³ में, और के का जो वैल्यू है वो यहां से रखा जा सकता है, के का वैल्यू ये रखेंगे, ई होता है 1.6×10⁻¹⁹ × 10,000। ठीक, एच का जो वैल्यू है ये भी रख सकते हैं 6.64×10⁻¹⁴, है ना। तो इसको कैलकुलेट करके जो है आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 डिजिटल सर्किट से है। इसमें देखेंगे एक सर्किट दिखाया गया है, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिजिटल सर्किट है, ऑर गेट है, नैंड गेट है, या नॉर गेट है, या एंड गेट है। ठीक, तो इसका मैं एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं, ट्रुथ टेबल से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो एक तो रखेंगे इनपुट, दो इनपुट है एक्चुअली में, और एक जो है आउटपुट है इसमें। ठीक, तो जैसे एक इनपुट ये है ए और बी, और आउटपुट ये है, मतलब इनपुट क्या है, ये स्विच जो है, स्विच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, 0 और 1 कर सकते हैं, और आउटपुट क्या है, जो बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ये जलेगा या नहीं जलेगा, ये आउटपुट है। ठीक, तो ए बी और वाई, अब देखेंगे कि ये बल्ब कब जलेगा, जब यहां से करंट फ्लो करेगा, जब यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, तो यहां से करंट कब फ्लो नहीं कर सकता है, जब ये दोनों के दोनों स्विच ऑन होंगे, दोनों को दोनों स्विच ऑन होंगे, तो चूंकि ये कंडक्टर है तो सारा करंट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ 6 वोल्ट का, ये 0 है, ये 6 है, तो ये डिफरेंस है, तो यहां से करंट जो ऐसे आएगा वो इधर से घूम करके इधर निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है, इधर जाएगा नहीं क्योंकि उधर रेजिस्टेंस है। तो जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे तभी ये करंट ऐसे जा सकता है, ये बल्ब नहीं जलेगा, केवल एक ही कंडीशन बनता है, मतलब जब ये दोनों ऑन होने का मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। उसके अलावा इन दोनों में से कोई भी एक नहीं अगर ऑन है, कोई भी एक स्विच बंद है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यहां से करंट जाएगा नहीं, तो करंट तो इधर से ही जाएगा, तो ये जलेगा, है ना। तो ये तो उसके बाद में कभी भी देखेंगे तो ये 1 रहेगा, है ना, चाहे मैं इसको 0 कर दूं, इसको 1, इसको 1 कर दूं, इसको 0, या दोनों को 0-0 कर दूं, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा, या दोनों में मतलब कहने का मतलब कोई एक ऐसा होगा जो स्विच का स्विच ऑफ है, दोनों में से कोई एक स्विच ऑफ है, इसमें ए वाला ऑफ है, इसमें बी वाला ऑफ है, इसमें दोनों ऑफ है, तो उस केस में करंट इधर से जाएगा और ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलने का मतलब 1-1 होना चाहिए। ठीक, अगर इसको बुलियन एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आएगा ए इंटू बी, ये एक्चुअली में एंड गेट का सिंबल होता है, इस पर बार लगा देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो देखने में ये एक्चुअली में नैंड गेट लग रहा है, नैंड गेट में क्या होता है,
जैसे ए और बी दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जैसे देखेंगे यहां पर ये तीनों में कोई एक ना एक जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो के पार बार लगा है तो वो उसका उल्टा यानी कि वन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एक जीरो है, दोनों जीरो है तो वो वन आ रहा है आंसर। अगर ये दोनों के दोनों वन होंगे, है ना, दोनों के दोनों वन होंगे तो a इंटू बी ये वन आएगा और उसमें बार लगा है तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो भी ट्रुथ टेबल है उसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ये है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो नैंड गेट का होता है। तो जो बी है वो यहां पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो सरफेस टेंशन का है। इसमें कहा गया अ सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ 2.5×10⁻²⁰ न्यूटन पर मीटर। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 m/s² डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1000 kg/m³ फाइंड वैल्यू ऑफ जेड नॉट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी सोप बबल के अंदर अगर बाहर प्रेशर पी नॉट है तो अंदर प्रेशर होता है पी नॉट प्लस 40/R, है ना। अब ये कहा गया कि किसी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर अगर जेड नॉट डेप्थ पर जाते हैं, है ना, जेड नॉट डेप्थ पर जाते हैं तो यहां पर जो प्रेशर है वो इसके अंदर के प्रेशर के बराबर है। तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा, एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच, एच के वैल्यू यहां पर जेड नॉट दिया हुआ है। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल है, इनको इक्वल करते हैं तो पी नॉट प्लस 40/R इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। तो पी नॉट कैंसिल हो गया, यहां से जेड नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 40/R ρg, है ना। ये सारे वैल्यू दिए गए हैं, अगर इसको SI यूनिट में रखेंगे, जैसे 4 सरफेस टेंशन दिया गया है 2.5×10⁻², आर रेडियस 1 मिलीमीटर दिया है 10⁻³ लिख देंगे, डेंसिटी जो है ये है 10⁻³, जी का वैल्यू 10, है ना। तो ये देखेंगे आंसर जो है वो आ जाएगा 1 cm, ठीक है। तो ये जो है बी 1 cm आएगा, है ना, करेक्ट आंसर।